इसी में जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना काफ़ी इजी है। आप समझेंगे कि आपके लिए जो है वो यहाँ की नेशनलिटी होना चाहिए, प्लस प्रॉपर जो है वो वीज़ा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि एक अगर चिकन बिरयानी खाने चला जाए कोई बंदा, तो चिकन बिरयानी वो 22 लारी की वैसे चिकन बिरयानी है, 20% टैक्स लगा देते हैं। हेलो, वेलकम बैक। अभी हम लोग मौजूद हैं, आज हम लोगों ने प्लान करा के नाइट व्यू भी देखें कि दूसरे लोग कैसे लगता है। और इस वक्त जो है अराउंड 8 PM हो रहा है। आज मॉर्निंग से जो है रेनिंग थी, काफ़ी ठंडा है आज का वेदर। अभी हम लोग मौजूद हैं तबिलिसी गैलरी में। अब इतनी दूर हम आए थे तबिलिसी, तो हमने सोचा मॉल है उसको भी देखा जाएगा, नियर बाय था, करीब में नज़र आया, तो हमने कहा थोड़ा सा क्विक व्यू ले लेते हैं कि यहाँ के मॉल कैसे नज़र आते हैं। जब आए हैं तो चीज़ें देखें, एक्सप्लोर करें, मगर ऑलमोस्ट जो है वही अट्रैक्शन है जो सब मॉलों की होती है आजकल, तो ऑलमोस्ट सेम ही स्टाइल के हैं। अब ये 4th फ्लोर का दिखा रहा है, मैं काम करता हूँ लिफ्ट में जाके देखता हूँ टॉप से। अभी हम पहुँच गए हैं एग्जिट पे, और यहाँ से लेने का वैसे भी कोई बेनिफिट इसलिए नहीं है कि इसको फिर कैरी करना पड़ेगा। हम लोग निकले हैं नाइट व्यू को कवर करने, एक्सप्लोर करने के, कितनी सी नाइट में कैसा लगता है। लाइटिंग जो है अट्रैक्शन ज़्यादा और बढ़ जाती है, आप तो जो है रोडों पे पानी पड़ा है उससे जो रिफ्लेक्शन भी आता है, फिर लाइटिंग है, काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं सिटी को खूबसूरत बनाने के। हालांकि बारिश हो रही है आज, टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा है, अभी इस स्ट्रीट के ऊपर काफ़ी रश है भी। नाइट में ज़्यादातर यहाँ पर बस यही है, रोडों के ऊपर जो है वो परफॉर्मेंस होती है, काफ़ी कलरफुल जो है वो नाइट है यहाँ की, और जो है लाइटिंग अट्रैक्शन काफ़ी अच्छा है। डिफरेंट टाइप की जो है इन्होंने लाइटिंग की है, जिससे जो है सिटी और ज़्यादा सिटी जो है खूबसूरत नज़र आ रहा है। अभी जो है हवा बंद हो गई है, कंटिन्यूस जो है रेनिंग हो रही है, वो सर पे गिरी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वापस चला जाए, ऐसा ना हो कि आगे तबीयत ख़राब हो जाए फिर। और करते करते जो है वो भूख ज़्यादा लगना स्टार्ट हो गई है, देखते हैं क्या अच्छा मिल सकता है, मगर मीठा खाने का मूड नहीं है, कोई अच्छी चीज़ मिल जाए, देसी मिल जाए तो क्या बात है, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। अभी मैंने ऑर्डर किया है चिकन बिरयानी का, बिरयानी ट्राई करते हैं कैसे। तो अभी हमारा ऑर्डर आ गया है, चिकन बिरयानी ऑर्डर की है। तबिलिसी में हम लोग जो है चिकन बिरयानी इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है, एक आदमी के लिए तो काफ़ी है। अट्रैक्टिव फुल जो है प्लेस है, कोने राउंड अबाउट पे फ्रीडम स्क्वायर के बिल्कुल नियर बाय है, यहाँ से मुझे नज़र आया तो मैं अभी पहुँचा और मैंने यहाँ पर जो है बिरयानी ऑर्डर करी। अगर आप भी इस एरिया के नियर बाय हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमारे साथ मौजूद हैं ये ऑनर हैं नदीम भाई। तो अगर ये कुछ इस एरिया के बारे में और अपने होटल के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देंगे बताएंगे तो मज़ीद जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, जो अपकमिंग तबिलिसी में आना चाहते हैं। भाई सब ठीक ठाक है, फ्रीडम स्क्वायर है, लिबर्टी स्क्वायर के पास है, तो कोई भी आना चाहे, ये हलाल फूड है हमारी तरफ से बिल्कुल, तो हमारे रेट्स बहुत अच्छे हैं बाकी रेस्टोरेंट के हिसाब से, क्योंकि वो उन लोगों के रेस्टोरेंट के किराए बहुत ज़्यादा है, मतलब कि $10,000 है, तो ये कहते हैं कि एक अगर चिकन बिरयानी खाने चला जाए कोई बंदा, तो चिकन बिरयानी वो 22 लारी की वैसे चिकन बिरयानी है, 20% टैक्स लगा देते हैं उसमें जो होता है, और बाद में एक कोला वगैरह लेंगे 6 लारी की कोला दे देंगे। अच्छा, तो मैंने कहा एक जो बिरयानी वो आपको 30-35 लारी में पड़ जाएगी, तो इन्जॉयमेंट करने के लिए आते हैं, और साथ में जो खाना होता है वो इतना दे देते हैं कि बिल इतना हो जाता है। हमने खुद पहले मैंने ट्राई किया है, तो वहाँ से मैंने दाल मखनी, एक दाल मखनी, 4 रोटी और एक फ्राई टिक्का खाया था, तो मेरे पास 99 का बिल आया। मैंने हाथ पर रख कर कहा यार ये कैसे लोग, अगर इनका ये दर्द है तो काफ़ी अच्छा दर्द है, क्योंकि दाल बात है जो स्पेशली एशियन कंट्री से आ रहे हैं उनकी करेंसी रेट कन्वर्जन के अक्रम कर रहे हैं, वैसे प्राइस वाइज जो ये बता रहे हैं ऐसी है, पहले आने पहले जब नेट पर सर्च करा ऑलमोस्ट जो है 20 लारी से कम कहीं जो है बिरयानी कहीं नहीं है, तो मैंने देखा था, तो अभी इन्होंने 10 लारी की इनके पास तकरीबन ऑलमोस्ट हाफ है, और प्राइस वाइज क्वान्टिटी वाइज भी काफ़ी अच्छी है कि एक के लिए इनफ है, तो काफ़ी अच्छा रहा उनसे गपशप, काफ़ी देर होती रही, उनसे मैंने कहा कि थोड़ी देर आप रिकॉर्डिंग करवा दें ताकि अपकमिंग कोई भी तबिलिसी आए उसके लिए ये हेल्पफुल रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर ज़्यादातर यही है, यहाँ पर कैसिनो है, बार है, पब है, और अगर हम नेचुरल ब्यूटी की बात करें तो वो भी एक
यहाँ पर काफ़ी वैल्यूएबल है, ये नेचर ऑफ ब्यूटी काफ़ी अच्छी थी। और सिटी की या स्टेट की अभी मुझे आइडिया नहीं है, और स्पेशली मैं तबलीसी की बात करूँ तो तबलीसी में चीज़ें सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत ईजी है, कम्युनिकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तबलीसी में जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना काफ़ी ईजी है। आप समझेंगे कि आपके लिए जो है वो यहाँ की नेशनलिटी होना चाहिए प्लस प्रॉपर जो है वो वीज़ा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तबलीसी में, यहाँ पर जो है ज़्यादातर जो है वो टूरिस्ट प्लेस है, तो उससे रिलेटेड आप कुछ प्लान हो तो ईमेल की मेरा ईमेल एड्रेस है उस पर मेल कीजिएगा, मैं आपको डिटेल बताऊँगा किस तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको सिंपल एक दफ़ा तबलीसी में एंट्री देनी पड़ेगी, उसके बाद एक छोटा सा प्रोसीजर है, ज़्यादा लेंथी प्रोसीजर भी नहीं है, प्रोसीजर भी बहुत छोटा है। अगर मुझे टाइम मिला तो वो मैं प्रोसीजर भी बता दूँगा कि क्या प्रोसीजर है। अभी हम लोग पहुँच गए हैं पीस ऑफ ब्रिज, मेरे फ्रंट साइड के ऊपर नज़र आ रहा है, तो सर नाइट व्यू देखते हैं कैसा नज़र आ रहा है। और नाइट व्यू जो है काफ़ी अट्रैक्टिव है, विद इन सिटी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं अनदर लोकेशन पे अनदर वीडियो में, सी यू नेक्स्ट टाइम। पूरी कारा की कोयली फाइव फ्लारी।